महादेव दोस्तों, हम आ चुके हैं भगवती धाम जम्मू और यहाँ से हमारी यात्रा जा रही है। आज तारीख है 31 जुलाई और यहाँ से आज हम जा रहे हैं पहलगांव की ओर और पहलगांव से हम करेंगे अपनी अमरनाथ जी की यात्रा। तो सभी साथ मिलकर बोलें हर हर महादेव। तो स्टार्टिंग से आपको जानकारी दे देता हूँ, अभी हूँ मैं भगवती धाम में। यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले हम आए थे जम्मू, अपने किसी भी नियरेस्ट स्टेशन से जम्मू आ सकते हैं और जम्मू आने के बाद आपको कोई भी ई रिक्शा ऑटो कुछ भी मिल जाएगा भगवती धाम आने के लिए। वो पर पर्सन 30 से 40 रुपये, कभी कभी अगर ज़्यादा यात्रा चल रही होती तो 50 रुपये तक भी ले लेते हैं आपसे। आप यहाँ भगवती धाम आ जाएंगे, भगवती धाम आके आप अपना RFID कार्ड बनवाएं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करें। RFID कार्ड पहली एक फॉर्मेलिटी वो होती है और दूसरी फॉर्मेलिटी आपको अपनी सारी चेकिंग वगैरह करानी होती है सामान की, वो करा के आप अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई RFID कार्ड कैसे कलेक्ट करना है, यहीं आना है आपको भगवती धाम और यहीं से कलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो रहा है, आपने पहले भी करवा रखा है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि आपने अगर बालटाल से जाना है और पहलगांव का आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन दूसरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको रूट चेंज करना है अपना तो भी। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं हो रही है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट जो है jksasv.nic.in उससे ही मिलेगी। और एक दिन पहले की और 2 दिन पहले की भी अगर आपकी यात्रा की डेट है तो आपको यहाँ पे बस की टिकट मिल जाएगी। सुपर डीलक्स बस की 840 रुपये की टिकट है, एसी बसेस की 840 रुपये की और नॉर्मल बस की 400 कुछ रुपये की टिकट है। और व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया है, व्यवस्था जैसे देख सकते हैं आप, ये कुछ व्यवस्था है, ऐसे बेड वगैरह मिल जाते हैं आपको, गद्दा और तकिए वगैरह मिल जाते हैं। व्यवस्था बढ़िया है, साफ़ सुथरी जगह है और इसको पर पर्सन 50 रुपये तो आपको देना पड़ता है हॉल का किराया और 20 रुपये आपको देना पड़ता है इस गद्दे और बेड का किराया। 20 रुपये प्लस 50 रुपये, 70 रुपये आपको, आप एक दिन रुक सकते हैं। और 100 रुपये सिक्योरिटी जाती है गद्दे वाले की, वो आप गद्दा जमा करके वापस ले सकते हैं अपने 100 रुपये। तो ये है, अब हमारी बस है सुबह 1 बजे की अमरनाथ जी की, जो हमें पहलगांव छोड़ेगी। 6 से 8 घंटे का सफ़र रहेगा और ये हमें सुबह मिलेगी 1 बजे, यहाँ से चालू होगी। हमने लिए एसी बस, तो एसी बस देखिए आप कैसी होती है और बाकी की जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ बस में बैठने के बाद। धन्यवाद। खाने की भी उत्तम व्यवस्था है, खाने के लिए 2400 घंटे लंगर चलता रहता है, लंगर की आप फैसिलिटी उपलब्ध कर सकते हैं। और आपको अगर जैसे कुछ और टिक्की चाट पकौड़ा खाना है वो भी पेड सर्विस है, और उसकी भी पेड सर्विस है तो वो आपको भी पेड सर्विस के द्वारा मिल सकता है, पैसे खर्च करिए वही मिल जाएगा। इनर वगैरह अगर आपको लेना है तो भी वो मिल जाएगा, वैसे थोड़ा महंगा है लेकिन अगर आप वहीं घर से लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी रेनकोट वगैरह अगर आप कुछ भूल जाते हैं, पाउच बैग वगैरह, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और मेडिकल सुविधा भी है, अगर आपकी बाई चांस रास्ते में आता है तबीयत ख़राब हो जाती है, उधर से आते में तबीयत ख़राब हो जाती है, यहाँ पे मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध है, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए और यात्रा अपनी करिए और बाकी की जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इस वाली वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट रहें और एकदम एंड टू एंड आपको मिलती रहे।